हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजू तिवारी अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो मैं ये रेसिपी आपको आज बता रही हूँ ये कैसी बनी है। तो चलिए आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ वो आपको बताती हूँ। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बड़ा पाव चीज़ पनीर ब्रेड पकौड़ा। तो इसमें हमें क्या क्या लगेगा वो सामान मैं आपको सब बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो हम ब्रेड पकोड़ा बनेगा तो उसमें ब्रेड ज़रूरी है। तो ये ब्रेड हमने लिए हैं, ये मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है, आप इसमें वाइट ब्रेड भी ले सकती हैं। और हमें इसमें और क्या क्या लगेगा, ये हमने पनीर लिया है, ये चीज़ लिया है, और स्टफिंग के लिए हमें उबले आलू लगेंगे, और ये आपका ये सारी चीज़ें लगेंगी, धनिया, हरी मिर्च और लहसुन, और ये हमारे मसाले हैं, ये हमारा राई, ये हमें तड़के के लिए लगेगा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, हरी चटनी जो मैंने बना के रखी हुई है, अजवाइन जो हमें बेसन में डालने को लगेगी, और ये हमारा बेसन, और इसमें एक सीक्रेट मसाला भी डलेगा जो हम आपको बनाना बताएंगे। ये देखिए, उसके लिए हमें लगेगा सूखा धनिया खड़ा वाला, ये आपका सौंफ और जीरा, और इसी में थोड़ा सा नमक भी डलेगा, और ये हींग भी डलेगी इसमें, तो हींग भी लगेगी हमको, और ये हमारे सूखे करी पत्ते। आपके पास अगर ताजे हो तो आप ताजे ले लीजिएगा, मेरे पास सूखे पत्ते थे तो मैं सूखे ले लिया करी पत्ते। चलिए तब हम इसको आपको बनाना बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको स्टफिंग की तैयारी करना बताएंगे कि स्टफिंग कैसे बनेगी इसकी। चलिए बनाते हैं। चलिए पहले स्टफिंग के लिए हम अपना कुछ मसाला तैयार कर लें। ये लहसुन है, लहसुन की कलियां, इनको हम इसमें डाल के सबको कूट लेंगे, और ये हमारी हरी मिर्च है जिनको हम कूटेंगे, इन सभी को इसमें डाल के हम कूट लेंगे। अब इसको धनिया को भी मैं इसमें डाल दूंगी, और इसको हम अच्छे से कुचल कर खलबट्टा में फिर हम इसको अपने आलू की स्टफिंग के लिए डालेंगे। इसको अच्छे से हम अच्छे इसको कूट लेंगे हम इसको। ये देखिए मैंने कूट लिया है, इसमें मैंने नमक भी डाल दिया था। इस तरीके से इसको आप कूट के रख लेंगे, क्योंकि जो ये कुटा हुआ रहता है इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बल्कि आप मिक्सी में पीसेंगे तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, कुटे वाले में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए हम आगे वाला तैयारी करते हैं। ये जो मैंने आपको बताया था ना कि इसमें डालने के लिए सीक्रेट मसाला है, तो ये देखिए मैंने इन सबको इसमें भूनने के लिए डाल दिया है। इसको भून जाएगा अच्छे से, इसको चलाइए। इसमें हमने खड़ा धनिया, जीरा, सौंफ और थोड़ा सा नमक डाला है, इसको हम भून लेंगे। इस मसाले से जो हमारा बड़ा चीज़ पनीर सैंडविच बनेगा ना, सॉरी सैंडविच नहीं, ब्रेड पकोड़ा बनेगा, उसका टेस्ट दोगुना हो जाएगा इससे। चलिए भुंज गया है, अब हम इसको पीस लेंगे। पहले हम बेसन का घोल बना के तैयार करके रख देते हैं, जिससे कुछ देर रेस्ट भी कर लेगा। इसके लिए सबसे पहले हम डालेंगे अजवाइन, अजवाइन, हल्दी पाउडर, हींग, लाल मिर्च पाउडर, और हम डालेंगे हमारा सीक्रेट मसाला जो हमने बनाया था। इसको एकदम बारीक पाउडर फॉर्म में नहीं पीसना है, थोड़ा सा दरदरा रखना है इसको।
इसको भी हम इसमें डालेंगे। ये सभी चीज़ें हमारी इसमें डल गई हैं। थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। चलिए अब इसको हम घोल लेते हैं पानी से। इसको हम बड़े बर्तन में पलट लेते हैं। इसको हम घोलेंगे। इसको अच्छे से घोल लेंगे बेसन के इस घोल को। इसको बहुत गाढ़ा नहीं रखना है, थोड़ा सा पतला रहना चाहिए। ये देखिए घुल गया है। ये देखिए, ये इस तरीके से होना चाहिए, बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए, इस तरीके से। ऐसे रखना है इसको। स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले तो हम अपनी कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल थोड़ा गर्म हो जाए, अब तेल गर्म हो जाएगा तब फिर हम इसमें, तेल गर्म हो गया है अब हम इसमें डालेंगे हमारे राई के दाने, जिसे सरसों भी कहते हैं। डालेंगे इसमें करी पत्ता और जो हमने कूट के मसाला बनाया हुआ था ना, ये धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, नमक वाला, इसको डालेंगे अब हम इसमें। इसको डाल देंगे। इसको थोड़ा सा भून लेंगे। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और इसी में हम नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। अब इसमें डालेंगे हमारे उबले हुए आलू। हमने सारे आलू मसल के रखे हुए हैं, इसको बहुत ज़्यादा नहीं मसलना है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास धनिया ना हो, हरा वाला, उसकी डंडियां भी हो ना, तो आप उसको भी डाल सकते हैं ये कुटे मसाले में। इससे इतना बढ़िया खुशबू आती है, इतना बढ़िया टेस्ट आता है इसमें, मज़ा ही आ जाता है खाने में। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। चलिए हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। अच्छे से भुंज गए हैं आलू। इसमें थोड़ा सा धनिया डाल दीजिए हरा वाला, जिससे कि टेस्ट और बढ़ जाएगा। धनिया बहुत ज़रूरी होता है। चलिए थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर हम अपना बड़ा पाव, चीज पनीर, ब्रेड पकौड़ा बनाना शुरू करते हैं। चलिए ठंडा हो गया है, अब हम इसके लिए हमने ब्रेड ले लिए हैं। अब ब्रेड में हमको पहले हरी चटनी लगाएंगे। हरी चटनी मैंने वो पुदीने, धनिया और मिर्ची से जो बनाई थी ना, वही हरी चटनी इसमें लगाऊंगी। इस तरीके से इसको लगा लेना हरी चटनी को दोनों ब्रेड में, अच्छे से लगाना है पूरे ब्रेड में। सभी जगह पे अच्छे से लगाना है। हमारी चटनी लग गई है, अब हम इसमें डालेंगे चीज़। मैंने चीज़ क्यूब्स लिए हैं,
आपके पास अगर स्लाइड हो तो आप वो डालिए चीज़ की, वो लगा दीजिए, वो पूरे में कवर कर लेती है ब्रेड को। चीज़ को ऐसे आप किस के डाल दीजिए पूरे में। एक इसमें काफ़ी प्रोटीन होता है और ये जो हम ब्रेड पकौड़ा बना रहे हैं ये काफ़ी हेल्दी होते हैं, ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। ब्रेड भी हमने वाइट ब्रेड नहीं लिया है, ब्राउन ब्रेड लिया है। अब इस पर हम अपना लगाएंगे जो हमने आलू की स्टफिंग बनाई थी उसको हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। इसको अच्छे से लगाना है ब्रेड के ऊपर। सारे ब्रेड पे इसको अप्लाई करना है, दोनों ब्रेड पे लगा लेना है हमको। भर भर के अच्छे से लगाना है। ये देखिए सारे मैंने पूरे ब्रेड पे फैला दिया और अच्छे से लगा दिया है। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है, बच्चों के टिफ़िन में इसको रख सकते हैं सुबह स्कूल जाते समय। अब हम इस पे डालेंगे पनीर, पनीर को भी हम ग्रेट करके डालेंगे। अच्छे से डालना है पनीर भी, क्योंकि इन सभी चीज़ों में प्रोटीन होता है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं हमारी बॉडी के लिए। हम ब्रेड इस पे ऊपर लगा देंगे। चलिए हमारा ये तैयार है ब्रेड। अब हम इसको बेसन में डिप करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। अच्छे से दबा देना है इसको, जिससे अच्छे से थोड़ा चिपक जाए। चलिए हमारा बेसन का घोल रखा है, अब हम इसमें इसको डिप करेंगे। अच्छे से डिप करना है इसको। हमारी कढ़ाई में तेल भी गर्म हो गया, तब उसमें हम इसको फ्राई करेंगे। धीरे से डालना है इसको, संभाल के डालिएगा नहीं तो तेल हाथ में चढ़ जाएगा। जब नीचे से ब्राउन हो जाएगा तो हम इसको पलट देंगे ब्रेड को। ये देखिए ये तल गया है दोनों साइड से। ये हमारा बड़ा पाव चीज पनीर ब्रेड पकोड़ा बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए अच्छा ब्राउन हो गया है, गोल्डन कलर दोनों तरफ से अच्छा सिक गया है और एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए इसके लिए हमने टिश्यू पेपर लगा दिया नीचे उसको। चलिए हम प्लेटिंग कर लेते हैं इसको। ये देखिए हमारा ब्रेड पकोड़ा चीज पनीर ब्रेड पकोड़ा तैयार है। बड़ा पाव चीज पनीर ब्रेड पकोड़ा बनकर तैयार है। अब आप देखिए, बनाइए और घर में सबको खिलाइए और मुझे बताइए कि कैसा बना है। कमेंट करना मत भूलिएगा। ये देखिए आपके बच्चे तो बिल्कुल खुश हो जाएंगे इस तरीके से आप बना के उनको जब खिलाएंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।